नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार मारा बायो फर्टिलाइजर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लोरेन ट्रानिलीप्रोल 18.5% SC जो कि मार्केट के अंदर FMC का कोराजन, PI का कोस्को, वासप का बेस्टिकोर, धानुका का कवर, UPL का सेंजी व आदि अन्य कई नामों से आता है, इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अगर बात करें इसके द्वारा नियंत्रित होने वाले कीटों के बारे में, तो ये पौधे के ऊपर व पौधे के फल के अंदर और दोस्तों तने के अंदर सभी प्रकार की इल्लियां, काली हरी बाल वाली पत्तियों में धारियां बनाने वाली लीप माइनर इल्ली, सभी प्रकार की सुर्डियों को यह नष्ट कर देती है। साथ ही साथ दोस्तों यह काफ़ी लंबे समय तक अपना रिजल्ट बनाए रखती है, यानी 15 से 20 दिनों तक रिजल्ट बनाए रखती है। दोस्तों अगर बात करें कि इसके स्प्रे के बारे में, तो प्रति 15 लीटर वाले पंप के अंदर इसकी डोज 5 से 6 ml के हिसाब से रखनी है। वहीं दोस्तों एक एकड़ के अंदर यह 60 ml के हिसाब से इसके स्प्रे की डोज है, यानी दोस्तों अगर आप ट्रैक्टर के स्प्रे से स्प्रे कर रहे हैं तो 60 ml 200 लीटर पानी के अंदर मिलाकर ट्रैक्टर से स्प्रे कर सकते हैं। वहीं दोस्तों ये तो थी नॉर्मल डोज, और कई स्पेशल फसलों के अंदर इसकी डोज अलग अलग है। जैसे गन्ने के अंदर 150 ml प्रति एकड़, बैगन और मक्का में 80 ml प्रति एकड़, वहीं दोस्तों चना उड़द के अंदर 40 ml प्रति एकड़ और करेले के अंदर 50 ml प्रति एकड़, वहीं दोस्तों पत्ता गोभी के अंदर इसकी डोज 20 ml प्रति एकड़ के हिसाब से है। वहीं दोस्तों बात करें इसके पर्यावरण और फसलों और मनुष्यों पर हानिकारक प्रभाव के बारे में, तो दोस्तों यह ना के बराबर हानिकारक प्रभाव छोड़ती है, यानी दोस्तों इस पर ग्रीन टैग होता है, जिसके कारण यह बिल्कुल सुरक्षित कीटनाशक है। दोस्तों इसकी पैकिंग के बारे में बात करें तो यह 10 से लेकर 600 ml तक मिल जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें व हार मारा बायो फर्टिलाइजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली खेतीबाड़ी व किसानों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके।